समाज विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह से बात हुई, उन्होंने अपना नामांकन, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? यहाँ की समस्या है, जैसे मैंने कहा ना, किसान की समस्या है, किसान को मतलब दिल से खेती करने के लिए खादे नहीं मिलते, उनकी मांगों को पूरा नहीं करते, इसलिए गन्ना किसान को मैं चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ किसान का बेटा होने के नाते। और मैं यहाँ की असुविधा देख रहा हूँ, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि किसान जो होंगे 60 साल के ऊपर के जो किसान होंगे, मेरी सरकार आए, अगर नहीं भी आती है तो अगर मैं सांसद बनता हूँ तो उनके लिए 60 साल के ऊपर के जो है उनको मैं पेंशन देने का काम करूंगा। और उनको सरकार में नहीं आएंगे तो कैसे पेंशन देंगे? सांसद नीति से देंगे, और अगर सांसद भी नहीं बने तो मैं अपनी पार्टी की नीति से दूंगा। मेरा चैलेंज है कि मैं किसानों का भला करने के लिए आया हूँ, किसानों का भला करूंगा। किसान का बेटा होने के नाते मैं गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ। सबसे पहली लड़ाई मेरी यही है, मैं किसानों का भला करूंगा, मैं यहाँ पे और ब्रिज बनवाने का काम करूंगा, मैं यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या उसको दूर करने का काम करूंगा, खेल का मैदान बनाने का काम करूंगा, गन्ना मिल है शाहगंज में उसको खुलवाने का काम करूंगा, और मैं रोजगार देने का काम करूंगा। आज आपने अपना नामांकन करने के लिए बैलगाड़ी से, ऐसा क्यों? मैं बताना चाहता हूं कि 100 गाड़ियों का काफिला लेने से, हवाई जहाज से तो मैं रोज उड़ता हूं, लेकिन मेरे उड़ने से थोड़ी देश का विकास होगा। अरे लोगों को बताओ, जिस जमीन पे पैदा हो उसकी कदर करो। मैं इसलिए बैलगाड़ी से आया हूं कि ये भूलो मत, पहले बैल ही थे, आज टेक्निकल जमाना आ गया है, आप बैल को भूल गए हैं, आप गौ माता चिल्लाते हैं और बैल का कभी नाम नहीं, तो उनको चारा भी देने के लिए नहीं। तो ये मैं ऐसा दिलाने के लिए आया हूँ कि मैं कितना भी सुख से रहूं, लेकिन लोगों के बीच में मैं धूप में चढ़ गया हूँ, उनको ऐसा दिलाने के लिए। सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला आज नामांकन के बारे में जानते हैं? अरे भाई, पार्टी में रहे सांसद और धनंजय सिंह, बसपा में रहे, बसपा में मैं भी रहा हूँ, आपको पता है, मैंने बताया तो अभी कि भाई उनको जेल में डालने का काम मायावती ने किया है, और वो अपनी पत्नी को उसी से टिकट लेके आए हैं। अशोक सिंह ऐसा व्यक्ति है जहाँ थूक देता कभी चाटता नहीं, इसलिए मैंने पार्टी बनाई। किन मुद्दों के लोग जनता के बीच जा रहे हैं? क्या अहम जो आपने 100 वाट का वो जो बिजली के बिल माफ करने की बात की, उस पर क्या करेंगे? मैं कहूँ, मैं सांसद बनूँ या मेरी सरकार आए या ना आए, अगर मैं सांसद बनता हूँ तो 100 यूनिट बिजली सारे जौनपुर वालों के लिए माफ करने का काम करूंगा। और अगर देश में मेरी सत्ता आई, मैं आपको बार बार कहूंगा ना, इस बार न एनडीए की सरकार बनेगी, न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बिना समाज विकास क्रांति पार्टी की कोई भी सरकार नहीं बना सकता। 40 कैंडिडेट मेरे मैदान में है और 60 और मैदान में आ जाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सरकार में मेरी भागीदारी होगी। इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं आप, तमाम वादे कर रहे हैं, अगर सरकार में नहीं आए तब कैसे, अगर जौनपुर सांसद होते हैं तो कैसे विकास करेंगे, क्या खाता है? मैं सिर्फ सांसद रहूंगा तो भी जौनपुर के लिए विकास करूंगा। मैंने जैसे कहा कि 60 साल के ऊपर के किसानों को मैं उनका पेंशन देने का काम करूंगा, खाद जो मिलती है साल में उसको मैं फ्री करने का काम करूंगा, क्योंकि किसान आगे बढ़े। मैं किसान का बेटा हूं तो मुझे एहसास है किसानी क्या क्या होती है, गरीबी क्या होती है। मैं उद्योगपति बाद में बना हूं, पहले मैं किसान का बेटा रहा हूं, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ मुझे उनका एहसास है, मुझे उनका दर्द है, इसलिए बताने के लिए आया हूँ। जितने लोग आए घोटालेबाज घोटाले करके चले गए, अब घोटालेबाजी जौनपुर में आपकी लड़ाई किससे देखते हैं? किसी से नहीं है, मैं सबसे लड़ रहा हूँ, सब लोग मुझसे लड़ रहे हैं, और ये वक्त बताएगा कि कौन कितने नंबर। आपके एक साथी कृपा शंकर भी है जो बॉम्बे से है, कांग्रेस का घोटालाबाज, कांग्रेस का घोटालाबाज बदमाश, कांग्रेस का घोटालाबाज, उससे बड़ा बदमाश कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि होम मिनिस्टर रहने के बाद भी किसी भी उत्तर प्रदेश के लोगों का काम नहीं किया, और नहीं जौनपुर के लोगों का काम किया। अब जौनपुर का विकास क्या करेगा, जब था तब नहीं विकास कर सका, अब क्या करेगा? समाजवादी पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा, उनको कैसे देखते हैं? अरे वो बसपा के घोटालेबाज है, एक नंबर के घोटालेबाज है बसपा के लिए, तो वो घोटालेबाजी करके आए हैं, सपा में आए हैं, सपा को लूटना चाहते हैं। मैं अखिलेश यादव को बताना चाहूंगा कि सारे घोटालेबाजों को जो आप टिकट दे रहे हो, आप बुरी तरह हार रहे हो। धन्यवाद। ये थे अशोक सिंह, समाज विकास क्रांति पार्टी राष्ट्रीय, जिन्होंने आज अपना नामांकन किया, वो भी बैलगाड़ी से, एक संदेश देने का काम का किया कि जो बड़े बड़े नेता जो जहाज से चलते हैं उनको भी जमीन पे आना पड़ता है, इसलिए मैं बैलगाड़ी से अपना नामांकन करने के लिए पहुंचा हूं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ दीपक सिंह, भारत 24, जौनपुर।